पहली और लास्ट बात ये मैं कहना चाहता हूं कि बीएड एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई करना बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। कारण क्या है, पहला पॉइंट जो बता रहा हूं, पहली जो आपको श्योरिटी भी दे रहा हूं, ये वाला रेड वाला जो कह रहा हूं पॉइंट, ऑल कैंडिडेट्स कैन गेट मोर देन 25% मार्क्स। इसलिए ये तो टेंशन हटा दीजिए। वो कैसे हो सकता है, पहली बात कि आप ये जानते हैं कि आपको जो क्वेश्चन आएंगे एमसीक्यू टाइप है और उसकी चार ऑप्शन होंगी, ऑप्शन ए बी सी डी, चार ऑप्शन है। तो कभी भी वर्ल्ड में ऐसा नहीं हुआ कि एक ऑप्शन ही ज्यादा ठीक है, दूसरी बहुत कम है। रियलिटी आइडली क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन लगभग इक्वल करनी होती है। ये जो आप पिंक वाला देख रहे हो, इट मींस के 25% राइट रिस्पांस ए को होने चाहिए, बी को भी 25, सी को भी 25%, डी को भी 25%। ये आइडियल है, पर आइडियल नहीं होता। मेरा खुद का एनालिसिस है, जो रियलिटी में मैंने एनालिसिस किए हैं, किसी कई बार पेपर में क्या आता है, ये आप देख सकते हो कि कई बार डिस्ट्रीब्यूशन, ये आइडियल है और ये रियल है, ठीक। हर पेपर में थोड़ा बहुत फर्क होता है, लेकिन कितना फर्क हो सकता है ये देखिए कि एक पेपर का एनालिसिस किया था, उसमें ए को 23% राइट आंसर थे 150 में से। इतना आप समझ लीजिए, आपके 150 क्वेश्चन है ना, 150 क्वेश्चन में से 150 क्वेश्चन में से जो 23% ए आंसर सही था उनका, बी उस सेट का 27% ठीक था, सी उसका 26% ठीक था और डी 24% ठीक था। अगला पेपर कोई एनालाइज किया, उसमें क्या पाया कि ए 30% है, बी 35 है, ये सबसे ज्यादा अभी तक मिला है। जब बी को सबसे ज्यादा मिल रहा है और ये सी को 20% और डी को 15%। अच्छा, इससे आपको गेस वर्क लगाने के लिए एक तो मैं हौसला दे रहा हूं कि आप बिना पढ़े कैसे आप 25% से आगे जा सकते हैं। मान लीजिए 150 क्वेश्चन हैं आपके सामने और आप कुछ भी नहीं पढ़े, तो ऐसा नहीं है कि आप 10 से 20 मिनिमम 20 क्वेश्चन तो आप इजीली सॉल्व कर लोगे 150 में, ग्रेजुएशन की हुई है। अच्छा, आपको लगता है आप इतना नहीं कर सकते, 15 तो कर लोगे ना, 10 तो कर लोगे ना। मान लीजिए आपने 150 में से 10 क्वेश्चन सिर्फ किए, जब 15 किए, 20 किए जिस पर आपको श्योर है कि ये मेरे ठीक है। अब 150 में से ये शीट सारी खाली पड़ी है, तो खाली शीट में से आप एक ऑप्शन को चुनिए। वो कैसे चुनना है आगे चल के बताता हूं। अगर इतनी ज्यादा है तो आपने ऑप्शन किसको चुनना है, कोशिश करनी है आपने बी या सी को चूज करना है, या अगर और कोई लॉजिक नहीं चलता तो बी या सी को चूज करना है, जहां जिसके आपके राइट आंसर बहुत ज्यादा है वो उस ऑप्शन को चूज नहीं करना गेस वर्क के लिए। दूसरी ये हो सकती है, लेकिन स्पेसिफिक एग्जांपल वीडियो में नेक्स्ट में आप बताता हूं कि गेस आपने कैसे लगवाने हैं। अब ये बात समझ लीजिए कि आपने मान लीजिए 10 से 20 तो वैसे ही अंक प्राप्त कर लिए हैं और बाकी जो बचे हैं, मान लीजिए 130 है, उसमें से आपने बी या सी टिक कर दिया, तो मिनिमम आपके देखिए 15 या 20% तो उसके भी आ गए, 20% 15% है ना, तो 15% ये और ये 15 10 15 जो आपने पहले अंक लिए हैं तो वो आपको देखिए 25 या 30 के करीब ले गए। ये वो बात कर रहा हूं जब आप बिल्कुल ही अपने आप को डाउन लेवल का गिन रहे हो। मैं सच बता रहा हूं, मेरे से नालायक कोई नहीं होगा जितने ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप अपने आप को इतना डाउन मत समझिए, आप कर सकते हो। अगली बात कि गैस वर्क आपने शुरू में नहीं लगाना, अब हम स्ट्रेटेजी साथ में लर्न करते हैं कि क्या करना है। ये तो है एज होल आपने गैस का प्रयोग करके इजीली ये जो है अंक जो है गेन कर लेने हैं। अच्छा, अब हमारे पास है पहला रूल कि गैस नॉट इन स्टार्टिंग, सबसे पहले नहीं लगाना। इसका दूसरा मतलब क्या है कि नॉट इन फर्स्ट राउंड, आपने कम से कम 2 राउंड तक रखने हैं, 3 नहीं तो, है ना। तो फर्स्ट राउंड में आपने जो क्वेश्चन आपको नॉलेज है के आपके पास है,
वो उसके बेस पर रीजनिंग के बेस पर सॉल्व करके वो गेन कर लेने हैं। सेकंड राउंड या लास्ट राउंड में जो भी अगर आपका सेकंड लास्ट राउंड है उसमें गैस वर्क लगाना है और पहले में नहीं लगाना। ठीक, तो फर्स्ट जो राउंड है जहां आपने जो नॉलेज के बेस पर निकाल लिए जितने आपको आंसर आते थे, उसके बाद आप सीधा रैंडम गैस पर नहीं जाओगे, लॉजिकल गैस पर जाओगे। लॉजिकल गैस में अभी बताता हूं कि क्या है, मतलब है कि कोशिश करके, आपके पास नॉलेज नहीं है क्वेश्चन की, आप सोच रहे हो सोचना कैसे है कि राइट आंसर तक पहुंच सके, वो क्या है, उसमें से बेस्ट रूल है लॉजिकल गैस का, बेस्ट रूल है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड क्या है कि आपके पास चार ऑप्शंस हैं, है ना, तो चार ऑप्शन में से आपने कोशिश करनी है, यहां एग्जांपल लेते हैं, चार ऑप्शन है, तो चार ऑप्शन में से आपने कोशिश करनी है कि डिलीट करना है कि कौन सा सही नहीं हो सकता। तो हो सकता है उसके लिए भी आप गैस लगाओ, उसके लिए एक अगला रूल आपको बता रहा हूं, अगर आपके पास कोई भी रैंडम सॉरी वो लॉजिक नहीं दिखाई दे रहा, उसकी इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है, तो आप लॉन्ग टेल वाली, ये देखिए बाय चांस ये खुद आई हुई है, ऑल राउंड ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड इम्प्लाइज, इसकी टेल जो है कितनी बड़ी है वो देखिए, आपने ये इतनी बड़ी है, ठीक है, दूसरी ये थोड़ी सी इतनी ज्यादा बड़ी है, और ये यार इतनी ज्यादा बड़ी है, सबसे बड़ी कौन सी है, कमाल है। ये पिछले जितने भी क्वेश्चन मैंने पेपर एनालाइज किए है बीएड एंट्रेंस टेस्ट में, आप हैरान होंगे, आगे चल के ये दो रूल मैंने बता दिए, एक तो एक एलिमिनेट करना है, दूसरा आपने कोशिश करनी है अगर लॉन्ग टेल मिल रही है तो उसको प्रेफरेंस दे देनी है गैस में, मतलब नियरली 70-80% लॉन्ग टेल वाले राइट आंसर पिछले पेपर्स में आए हैं। इस पेपर में क्या होता मैं कैसे कह नहीं सकता, मैं पिछले पेपर का एनालिसिस बता रहा हूं। तो दिस इज मोस्ट कॉमन गैस के लॉन्ग टेल, लंबी पूंछ वाला जो है ऑप्शन जिसकी ज्यादा डिटेल है। अच्छा, ऐसे क्यों होता है कि लॉन्ग टेल वाला सही क्यों होता है, क्योंकि जो पेपर सेटर है उसने अपने राइट आंसर को जस्टिफाई करना होता है, आप कोर्ट में चैलेंज भी कर सकते हो ना, तो वो जस्टिफिकेशन देने के लिए वो मेरी राइट करेक्शन करेक्ट ऑप्शन जो है वो गलत ना हो जाए उसमें वो ज्यादा शब्द जस्टिफाई करने के लिए ऐड कर देता है, तो वो वहां एक तरह से फंस गया और लॉन्ग टेल वाले की प्रोबेबिलिटी 70-80% मैक्सिमम हो गई। तो इजीली आप बिना पढ़े ही इसको लगा सकते हो जब आपको लॉजिकली या नॉलेज बेस्ड आंसर नहीं आता, पहले नॉलेज बेस्ड ही करना है। ठीक, तो ये मेथड दो हो गए। अच्छा, एलिमिनेशन मेथड मैं बता रहा था, बीच में ही साथ में दूसरा मेथड बता दिया, क्योंकि ये दोनों मेथड सबसे ज्यादा यूज होने हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये सोना है, मुझे इसका कुछ नहीं पता था, तो मैंने क्या किया कि मुझे लगा यार इसकी कोई नॉलेज नहीं है मेरे से, मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया और देखा कि यार सोना भाव तो नहीं लगता, इसलिए मैंने पहले ये डिलीट कर दिया। अच्छा, दूसरा मुझे लग रहा है ये किसी चीज का इकट्ठ तो नहीं है, दूसरा मैंने ये डिलीट कर दिया, है ना। तो अब आपके पास प्रोबेबिलिटी ये बची है, अगर तो आप ये जान जाते हो कि यह सोना पदार्थ है, फिर तो आप लॉजिकली यहां तक पहुंच गए, लेकिन जो आपको लगता है कि डिलीट ये वाले पक्का नहीं हो सकते, उसको पहले हर क्वेश्चन पर ये अप्लाई आप कर सकते हो, हर क्वेश्चन पर। यहां आपको 100% नॉलेज है, सिर्फ वहां नहीं ये मेथड अपनाना, जहां आपको 90% थोड़ी भी इंफॉर्मेशन वीक है, जब आंसर ढूंढ नहीं पाते, तो वहां ये डिलीट वाली जो ऑप्शन है रॉन्ग पर फोकस करना है कि रॉन्ग कौन सा हो सकता है, उसको पहले डिलीट कर देना है। तो उससे क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ राइट रिस्पॉन्स आपकी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जहां आपके 25% नॉर्मली ठीक होने होते हैं ना, ये सभी के ठीक हो जाते हैं, तो आपकी प्रोबेबिलिटी ये 50% तक हो जाती है अगर आप एलिमिनेशन मेथड को अप्लाई कर सकते करते हो। तो नेक्स्ट रूल गैस का है कि जो ऑप्शन है
अगर आपने तैयार जिस जिन्होंने एक्चुअली तैयारी की है ये उनके लिए होता है, तो अगर आपको ये लगता है कि ये वाली तीसरी ऑप्शन कभी सुनी ना पड़ी ही ऐसे नहीं है, तो वो ऑप्शन मोस्ट प्रोबेबली गलत होती है, रॉन्ग होने की संभावना होती है, जो आपको ज्यादा फेमिलियर नहीं लगती, जो आपके आपको लगता है कि ये मैंने कभी ऐसा पढ़ा नहीं है, वो रॉन्ग होने की संभावना ज्यादा है। पर अगर आपकी तैयारी ज्यादा है तो यस। नेक्स्ट गुड एग्जाम्पल, लुक फॉर ओपोजिट आंसर ऑप्शन। कई बार ऐसे होता है, फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फीचर ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, तो चार इसकी ऑप्शन है, तो ये है कोडिंग क्लास एट स्कूल लेवल, नॉट इंक्लूडेड कोडिंग क्लास, इंक्रीज सिलेबस, ऑल ऑफ अबव। तो अब क्या है कि ये एक कह रही है कि कोडिंग क्लास, दूसरी कह रही है नॉट कोडिंग क्लास, इट मींस ये दोनों आपस में ओपोजिट ऑप्शन हो गई है। अब संभावना ये होती है 90 क्या ये 100% यही होता है कि जब ये ओपोजिट आपको दो ऑप्शन मिलती है तो राइट आंसर इन दोनों में से एक होता है, तो अब आपकी ऐसे में से 50% प्रोबेबिलिटी हो गई राइट आंसर की। वैसे ये सच ये है कि कोडिंग क्लास जो है इंक्लूड की गई है न्यू एजुकेशन। सेम नेक्स्ट रूल क्या है कि अगर आपको दो सिमिलर ऑप्शन मिलती है तो प्रोबेबिलिटी है कि दो सिमिलर ऑप्शन में से राइट रिस्पांस होने की संभावना 90% ज्यादा। नेक्स्ट गेस लगाने के लिए आपने क्या करना है, नेक्स्ट रूल है कि आपने एक्सट्रीम जो है इंफॉर्मेशन या वैल्यू या एक्सट्रीम स्टेटमेंट है उसको ऑप्ट नहीं करना, वो रॉन्ग रिस्पॉन्स मैक्सिमम होता है। मिडल वाली जो टर्म है इसकी एग्जाम्पल दे देता हूं आपको, वो राइट रिस्पॉन्स होने की संभावना है। फॉर एग्जाम्पल एक मेंटल एबिलिटी का क्वेश्चन है और उसका आंसर है एक ऑप्शन ए है 16, दूसरा है उसका 18 और दूसरा है 20, ओके तो ये लिख दिया 45, ठीक है, तो इसमें एक्सट्रीम जो है 45 एक्सट्रीम है, ये राइट आंसर होने की संभावना सबसे कम है। दूसरी तरह ये कैसे हो सकता है कि ये भी हो सकता है, पहले 4 डाला गया है, यहां पर 18 है और 20 है और 45 है, यहां इस ऑप्शन में क्या है, ये भी एक्सट्रीम है और ये भी एक्सट्रीम है, ये बहुत नजदीक नजदीक है, राइट आंसर इसमें छुपा। अच्छा नेक्स्ट रूल क्या है, गैस लगाने का, इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अदर क्वेश्चंस, दैट इज वाई आपने शुरू में गैस नहीं लगाना। हो सकता है कि आपका 10 क्वेश्चन के बाद कोई ऐसा क्वेश्चन आ रहा है जिसमें आपके पहले क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन छुपी हुई है, दैट इज वाई जो पहले आपको क्वेश्चन आते हैं पहले कीजिए, उसके बाद गैस वर्क कीजिए। अगर किसी क्वेश्चन में से इन्फॉर्मेशन मिलती है उसको यूज करके आप राइट रिस्पॉन्स पर पहुंचिए, वहां गैस गेस्ट टेल वाली जो है प्रोबेबिलिटी उसकी राइट होने की संभावना सबसे ज्यादा। जो इनकरेक्ट है, अगर ग्रामेटिकली इनकरेक्ट आपको मिल रहा है कोई सेंटेंस बार बार, उसकी रॉन्ग होने की संभावना सबसे ज्यादा है। लॉन्ग टेल की तरह एक और एग्जांपल है कि ऑल ऑफ द अबव जब आता है, ऑल अबव, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 30-40% ज्यादा है कि वो राइट रिस्पॉन्स होता है। इट मीन्स जब आपको इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, ऑल ऑफ द अबव है लॉन्ग टेल या ऑल ऑफ द अबव है, तो आप थोड़ा सा दिमाग लगा के दोनों में से एक चूज के लिए, आइदर लॉन्ग, लॉन्ग टेल आपको क्या गाइड कर रही है, लॉन्ग टेल वाली आपको कह रही है कि मेरे पर थिंक करो, तो उसको आप जब आपको पता चल गया कि ये राइट रिस्पॉन्स होने की संभावना ज्यादा है, उस पर थोड़ा सा सोच के उसको राइट रिस्पॉन्स में कन्वर्ट कर दीजिए। अगर आपको कुछ नहीं मिलता तो ऑल ऑफ द अबव अवेलेबल है तो उसको टिक कर दीजिए। दूसरा अगर नन ऑफ दीज है ना, तो इसकी राइट होने की संभावना उतनी ही कम होती है, मीन इसको आपने चूज ज्यादा नहीं करना। फुटप्रिंट को लॉ ऑफ फुटप्रिंट है, गैस लगाने की टेक्निक, वो ये है जब आपको ये पता है कि मेरा जो ये थर्ड ऑप्शन ठीक है, ठीक है, और मान लीजिए आपको ये पता है जहां दो ऑप्शन मेरे ये ठीक चल रहे हैं, ठीक, तो उसके बाद आपको ये क्वेश्चन दो नहीं आते, तो फुटप्रिंट का प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर आपको ये पता है कि बी यहां पर मेरा ठीक था, इट मींस तीसरे और चौथे के लिए आप बी को सिलेक्ट मत कीजिए गैस वर्क लगाने के लिए, आप सिलेक्ट कीजिए यहां पर सी डी और ए में से कोई चूज कीजिए,
है ना, और सिचुएशन ऐसी डिस्कस करूं। इस सिचुएशन में क्या है, आपको पता है कि यहां पर मेरा डी सही हो गया है और यहां पर ए सही हुआ और बीच वाला मेरा गैस वर्क मैंने लगाना है, तो इस स्थिति में आप यहां पर डी और ए को छोड़ के बी या सी को चूज करोगे। अच्छा, जब आपके पास बिल्कुल लंबे 8-10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको नहीं आते मान लीजिए, तो आपने क्या करना है, बी या सी में से कोई एक ऑप्शन चूज करके लगातार उसको टिक कर देना है। फॉर एग्जांपल यहां पर सी है, ठीक, मैंने सी टिक कर दिया। दूसरी बात, ये बिल्कुल लास्ट में करना है। दूसरी बात, अगर आपको ये लगा है कि ऊपर वाले जो 2-3 सी ही मेरे आए थे, इधर भी सी आए थे, तो लगातार टिक करने के लिए फिर सी को ऑप्ट नहीं करना, फिर आप बी को ऑप्ट करोगे। रूल क्या है कि जो क्वेश्चन आपके सही होने की संभावना आपके नॉलेज बेस आपने किए हैं वो यहां जो सही है गैस वर्क के लिए उस ऑप्शन को चूज नहीं करना। आपके पास ऐसे एग्जांपल है, ये देखिए 2 लगातार सी सी आए हैं, इट मींस नेक्स्ट सीरीज में सी को नहीं चुनूंगा, कोशिश होगी मैंने मिड टर्म पर भी रहना है तो बी को चूज करूंगा, ये बी 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 चूज कर रहा हूं। पर मैं ये कह रहा हूं इस सारे बी को चूज करने से पहले आप लॉन्ग टेल को जरूर देख लीजिए, अगर इनमें से 2-3 क्वेश्चन लॉन्ग टेल वाले हैं, मतलब इसका लॉन्ग टेल है सी, तो इसको सी प्रेफर कीजिए, इसका भी लॉन्ग टेल है, ये डी है, ये इसको डी प्रेफर करके बाकियों को बी लगा दीजिए, ठीक। इसके अलावा अगर ऑल अबव आ रहा है तो ऑल अबव नेचुरली है डी लास्ट में होता है, तो उसको प्रेफर कर लीजिए। ये लॉन्ग टेल और ऑल ऑफ दी अबव के बेस पर मैंने लगातार में से ये तो लगा दिए हैं, ये पहले ही यूज करना है, ये वाला बाद में यूज करना है, कि बाकी जो नहीं मैं किसी भी तरह से फिल कर सका उसके लिए बी या सी। और अगला मेथड क्या है कि ऊपर और नीचे वाले को देख लेना है मेरा कौन सा ज्यादा मैंने टिक लगाया है, उसके अलावा आपने टिक लगाने हैं। तो इस तरह से मेरे ख्याल में आप मैक्सिमम स्कोर गेन कर सकते हैं। अब तो कोई टाइम भी नहीं बचा के आप क्वेश्चन पूछ सको, तो फिर भी अगर आप पूछना चाहते हो पूछ सकते हो, मैं सुबह तक जवाब देने की कोशिश करूंगा। डू योर बेस्ट फ्रॉम डॉक्टर तीरथ सिंह, लर्न टू एक्चुलाइज